अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम 2016 का ऑल पेपर देखते हैं। इस पेपर से आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों ने सबसे ज़्यादा कौन सी बुक्स कवर करनी है। इस्लामियात का तो आप लोगों ने ये टॉपिक लाजमी कवर करना है। 25 प्रॉफिट का जिक्र कुरान मजीद में है, ये कवर करना है। 27 गज़वात का जिक्र कुरान मजीद में है, ये कवर करना है। कुरान मजीद की सबसे छोटी बड़ी आयात सूरत, ये कवर करनी है। और 4 खलीफा हैं उनका जिक्र है, वो कवर करने हैं। और हिस्ट्री के बारे में 712 से लेके अब तक सारा कवर करना है। अभी हम इधर से देखते ना तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि और ज़्यादा इस्लामियात आप लोगों को ना 4 से लेके 10 तक इस्लामियात रीड करें, पाक स्टडी उधर के रीड करें, हिस्ट्री उधर से रीड करें। मैं अब हिस्ट्री की बुक स्टार्ट करती हूँ 4 क्लास से। आप लोग उधर से देखना कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अभी फर्स्ट देखें, ये 4 क्लास की हिस्ट्री की बुक में है। और ये सनन निम्स एंटर निम्स करने इधर से। अब ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में हज़रत मूसा का जिक्र, हज़रत मूसा का जिक्र कुरान मजीद में कितनी बार आया, ये याद करना है। और इसका टाइटल याद करना है और इसके अकॉर्डिंग जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो याद करना है। इंग्लिश के सिनोनिम्स एंटोनिम्स और करेक्शंस ये याद करनी है। अभी ये देखेंगे अल्लामा इकबाल के बारे में, अल्लामा इकबाल ने PhD की डिग्री किस सब्जेक्ट में हासिल की और किस यूनिवर्सिटी से हासिल की, किस डेट को हासिल की। बाकी वन बाय वन क्वेश्चन तो रीड कर ही रहे हैं, आई थिंक यूट्यूब पे भी हैं, वैसे भी आप लोग भी रीड कर सकते हैं। बट ये है कि इससे टाइम बच जाता है, आइडिया भी हो जाता है और याद भी कर रहे हैं। देखें तो मूसा का है, तो मूसा ये देखें तो मूसा का दूसरी बार जिक्र आ गया एक ही पेपर में, ठीक है। इस्लामियात के ये तो करेक्शन है टेंस की इंग्लिश की। अच्छा गवर्नर जनरल, जब आप लोग हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तो सारे डिटेल में पढ़नी है, वन बाय वन के बाद दूसरा तीसरा चौथा सारी डिटेल में याद भी रखने हैं। और इनके लास्ट में क्वेश्चंस हैं, आंसर गिवन है इन लास्ट में इन क्वेश्चंस के ना, तो आप लोगों ने उधर से देख लेना। करेंसी याद करनी है आप लोगों ने, सब कंट्रीज़ के कैपिटल्स याद करने हैं। अब ये देखें हज़रत हमज़ा कौन से गज़वे में फौत हुए, शहीद हुए, ठीक है, ये याद कर लेना है। ये भी और सब जब आप लोग गज़वे बदर, गज़वे उहद, गज़वे खंदक रीड करेंगे ना तो उसके अंदर ये सारा कुछ आ जाता है। अब ये देखें ना कंप्यूटर के बारे में पूछा होगा तो बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। इस्लाम का भी बारे में पूछा हुआ है बट कंप्यूटर के बारे में चीज़ें, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ये दूसरी बार क्वेश्चन है। 2014 या 15 में भी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में पूछा हुआ था। एजेंसीज जो भी होंगी ना पाकिस्तान की या पाकिस्तान की जिस कंट्री के साथ रिलेशन है उनकी लाजमी याद करनी है, उनके उनके प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक है, और उनके कैपिटल्स के बारे में, उनकी फेमस चीज़ें लाजमी याद करनी है। जिन जिन कंट्रीज़ का पाकिस्तान के साथ कोई ना कोई लिंक है उन कंट्रीज़ का तो लाजमी करना है। और कॉन्टीनेंट्स सारे करने हैं, 7 कॉन्टीनेंट्स करने हैं, ओशंस करने हैं, पंजाब के बारे में, सिंध के बारे में, ये सारा कुछ करना है। अभी ये देखें ना कि हम इधर से ना आइडिया कर लेते हैं ना कि किस किस, ये देखें इस क्वेश्चन में भी इस्लाम के कितने MCQs आते हैं और जनरल नॉलेज के करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर, ये जस्ट एक पेपर है। बाकी आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो होता जाएगा, MCQs रीड करने से चीज़ें नहीं बनती। अब ये देखें उर्दू के कम कितने 10 क्वेश्चंस हैं, तो उर्दू को तो आप लोग खुद तैयार कर सकते हैं। उर्दू तो आप लोगों ने आप लोगों कोई पढ़ा ही नहीं सकता ना, तो उर्दू के आप लोग ज़्यादा भी ना याद करें, डेली का ना 1 या 2 पेजेस उठाएं और उनको याद करें अच्छे से। अब इतनी ज़्यादा उर्दू की ग्रामर है, उर्दू के शायर हैं कि याद नहीं होंगे। आप ऐसे ही डेली की 2-3 पेज याद करेंगे ना तो होता जाएगा, ठीक है। वन ना जैसे कि रीड करते हैं ना कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी शहर कौन से, ऐसे तो ना आई थिंक बहुत ज़्यादा फेसबुक पे, यूट्यूब पे चैनल्स हैं जो ये रीड कर रहे हैं, आप लोगों ने सुन रहे हैं। अगर आप लोगों ने टाइम ज़ाया करना, अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लें 1 मिनट में और उसके बाद डेली के 1 पेज 2 पेज अच्छे से याद करते रहें, ठीक है।